हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। देखिए, अभी अभी उत्तराखंड में आपका FRO का एग्ज़ाम हो चुका है और आने वाली 12 तारीख में नायब तहसीलदार यानी कि लोअर PCS NT का पेपर होने वाला है। उसमें बहुत सी अदर पोस्ट भी हैं, लेकिन वो जनरली जाना इसी नाम से जाना जाता है, NT के नाम से। तो पेपर का पैटर्न बिल्कुल FRO जैसा ही होने वाला है। लाइक 150 नंबर का पेपर होगा, 50 नंबर का आपका उसके अंदर एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला पोर्शन, और 100 नंबर का आपका GK GS वाला पोर्शन होने वाला है। तो मेरी सलाह, देखिए वैसे तो आप लोग प्रिपरेशन जो कर ही रहे हैं वो उनके लिए तो कुछ अब खाली युद्ध में जाके लड़ना बाकी है, बाकी सब तो प्रिपरेशन हो चुका है। 3-4-5 दिन में कुछ होने वाला है नहीं। जो लोग अभी रिसेंटली तैयारी स्टार्ट किए हैं तो उन लोगों को तो केवल मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप लोग अगर आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला पार्ट अगर आपका ठीक है, आपको मतलब उसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि आप उसमें 45+ स्कोर कर रहे हैं या 45 स्कोर करते हैं, तो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी ये है कि आप GS वाले पोर्शन में आप थोड़ा बहुत अगर आप 50% भी स्कोर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं कट ऑफ को तो क्वालिफाई करने वाले हैं। एक चीज़ को लेकिन गांठ बांधे, जैसा कि सिनेरियो देखा जा रहा है आजकल का और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, तो ऐसा लगता है कि मान लो किसी कैंडिडेट का FRO में भी हो जाता है और उसका लोअर PCS में भी निकल जाता है, तो जो मेंस होगा, अगर इनके मेंस आसपास पढ़ने लगे तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, जहाँ तक अंदाजा है, वो NT को ऑप्ट करने वाले हैं, वो FRO को छोड़ने वाले हैं। मतलब प्रिपरेशन वाले फेज़ में मेंस जरूर लिखेंगे, लेकिन जो प्रिपरेशन करके जो मेंस लिखने की बात है उसमें अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस देखो, आप भी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखो और अब यहाँ का सिनेरियो देखोगे तो कहीं ना कहीं लोग एक इजी, क्योंकि NT का जो मेंस है वो इजी है इन कंपैरिजन टू FRO। FRO के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन डिटेल पढ़ना पड़ता है, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करना है, आपको हिंदी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। उसके रेस्पेक्ट में आपका NT का जो मेंस है वो बहुत ही ईजी है और एक अच्छी खासी पावर वाली जॉब आपको अगर NT मिलता है तो बहुत अच्छा खासा आपको जॉब प्रोफाइल मिल जाता है। उसके साथ आप इस बार आबकारी के भी निरीक्षक की पोस्ट भी बहुत अच्छी पोस्ट है, जिसमें आपको पावर के साथ साथ आपको बहुत लिवरेजेस भी काफ़ी मिल जाती हैं, तो एक अच्छी पोस्ट है। तो प्रिपरेशन के दौरान अगर आप इन दोनों के डायलेमे में फंसे हुए हैं तो देखिए वो आपको अपनी तैयारी पे भी बेस डिपेंड करता है कि आप किस पेपर को ऑप्ट करते हैं, लेकिन जनरली मैं यही सलाह दूंगा अगर आप NT के लिए जाएं और NT का मेंस का पैटर्न देखें, एक वाइज अगर आप चॉइस करें तो NT एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। FRO में एक्चुअल में पेपर का जो पैटर्न है वो काफ़ी वास्ट है, सिलेबस पहले बहुत लेंदी है, उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, क्योंकि आपको अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है, तो वो एक बहुत ही अनसर्टेन सी कंडीशंस पैदा कर देता है। कभी कभी कोई कैंडिडेट ऐसा होता है जो एक अच्छे मार्जिन के साथ कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहा होता है, अगर उसका नॉर्मलाइजेशन में डी स्केलिंग ना हो, उसके मार्क्स कम ना हो, तो वो टॉपर, मतलब वो ओपनर बनने के लायक मार्क्स लाकर आता है, लेकिन उसके बाद स्केलिंग होती है, उसके मार्क्स इतने कम हो जाते हैं कि वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाता मेंस में। ये दिक्कत है उसके साथ में। तो इन चीज़ों को आप दिमाग में रखें जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाएं अपने लिए, जो भी आपको बेस्ट सुटेड स्टेबिलिटी आपकी स्ट्रैटेजी हो उस पर काम करें, क्योंकि अभी मतलब हलचल है, खुशफुसाहट है कि शायद सचिवालय के रिव्यू ऑफिसर यानी कि जिसे बोलते हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। कुछ 100 के आसपास पोस्ट उसमें बताई जा रही हैं, तो वो भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास है सचिवालय में समीक्षा अधिकारी। लेकिन इतना याद रखें, जो जितनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उतना ही ज़्यादा उस पर टफ कॉम्पिटिशन भी होने वाला है, क्योंकि इस यहाँ का एक मतलब एक माहौल है कि सचिवालय में एक समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट है उसको अपने आप में बहुत अच्छी पोस्ट कंसिडर किया जाता है, और वो है भी अच्छी पोस्ट, क्योंकि एक तो आपके पास फैमिली जो लोग दूर के हैं, क्योंकि अदर पोस्ट में आपके साथ NT है, इसमें आपके जो ट्रांसफ़र है वो किसी भी हिली एरियाज में, विलेजेस में, डीप डाउन विलेजेस में हो जाता है, लेकिन जो सचिवालय की जो पोस्ट है वो इतनी बेहतरीन पोस्ट है कि आपको यहीं रहना है, देहरादून में सिटी हार्ट ऑफ उत्तराखंड में रहना है, आपको यहाँ की कैपिटल में आपको हमेशा रहना है, सचिवालय में बैठे रहना है, आपके पास पावर भी है, आपके पास स्टेबिलिटी भी है, आप अपनी फैमिली को भी रिलोकेट अगर करना चाहें तो इजीली यहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरी पोस्ट में आपको ट्रांसफ़र के साथ फैमिली को ले जाना, बहुत कंडीशंस थोड़ी फेवरेबल नहीं होती हैं कई बार।
तो इसीलिए सचिवालय की पोस्ट अगर आती है और यदि इनके भी मेंस का सिनेरियो वैसे ही फंस जाता है तो एनटी के एनटी मैं तो बोलूँगा कि एनटी से भी पहले लोग सचिवालय की पोस्ट के लिए जाने वाले होंगे। तो अगर आप इनको लेयर्ड बाय सिंक्रोनाइज करो, सबसे ऊपर लोग सचिवालय के लिए समीक्षा अधिकारी की मेंस की तैयारी करेंगे, दूसरे वाले एनटी के लिए, तीसरे नंबर पर एफआरओ की तैयारी वाले लोग होंगे। तो अब वाइसली आप चॉइस करें अपने लिए, आपको क्या चुनना है, कैसे आपको करना है। केवल ये एक मतलब एक एनालिसिस बेस्ड पार्ट पे बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें डिपेंड करते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, किस तरीके का आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट हुआ है, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। क्योंकि अगर आप एफआरओ को देखेंगे तो ओबीसी कैटेगरी में ओनली एक ही सीट ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है, तो इससे बहुत से लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, ओबीसी कैटेगरी के बहुत से लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार अब क्या करें, इसकी तैयारी करेंगे कि एनटी की तैयारी करें जहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है। तो ये भी फैक्टर्स होते हैं, आप देखें किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, लोग कितना उसको ऑप्ट करने वाले हैं, कितना वहाँ कॉम्पिटिशन तब होने वाला है, तो ये चीज़ें भी कंसिडर करके चलना चाहिए आपको भविष्य के लिए। तो 12 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप रीजनिंग और एप्टीट्यूड अच्छे से कवर करके जाएं और आप वहाँ पर 45 प्लस स्कोर करते हैं, करंट अफेयर पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि एफआरओ के पेपर में करंट अफेयर बहुत अच्छा पूछा गया। एक इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया गया, पहली बार कि डीप करंट अफेयर, डीप तो नहीं कहूँगा लेकिन मॉडरेट लेवल पर करंट अफेयर का एक लेवल डाउन गया है। लेवल डाउन मतलब इन डेप्थ में एक लेवल नीचे चला गया, पहले बिल्कुल सरफेस पर करंट अफेयर पूछता था, इस बार थोड़ा सा डीप डाउन करंट अफेयर पूछा है, एक लेयर समझो आप अंदर गया है। क्योंकि पेपर का जो पेपर आप देखेंगे प्रीवियस इसका एफआरओ वाला करंट अफेयर के क्वेश्चंस, आप मेरे ख्याल से उसी तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके एनटी में भी आने वाले लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के शायद एनटी में दिखाई दें, बहुत अच्छे लेवल के करंट अफेयर आपको दिखाई दें। इस बार जीएस का पोर्शन भी एफआरओ में थोड़ा कन्फ्यूजिंग डाला गया, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मतलब एक प्री माइंड सेट है कि इस तरह का क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होता है, लेकिन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी वो अलग थी और क्वेश्चन का ऑप्शन भी अलग था, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जाना है। इस बार अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को, तब ऑप्शन को चूज़ करना है, गलतियों के चांस नहीं है, आप गलती नहीं कर सकते बिल्कुल भी, आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, बाकी चेक कुछ भी हो। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और लेट हो गया इस बार लेकिन हम मिलते रहेंगे, जल्दी मिलते रहेंगे और भी मुद्दों पर बात करेंगे। जिन लोगों का एफआरओ में लग रहा है कि प्री में उनका नंबर 95 प्लस आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें कि किन किन के 95 प्लस आ रहे हैं, जिस ताकि उसके बाद और अपने मेंस के जो उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे हैं उनको भी मेंशन कर सकते हैं अगर चाहें तो। क्योंकि अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो जो लोग एनवायरमेंट के साथ मेंस लिखने वाला है, जिनका ऑप्शनल एनवायरमेंट साइंस है, क्योंकि आप उत्तराखंड में एफआरओ का अगर आप एनवायरनमेंट साइंस का मेंस का सिलेबस देखेंगे, भले ही मुझे पता है ये कंडीशन है कि मैक्सिमम लोगों ने एनवायरनमेंट साइंस को चूज़ किया होगा विदाउट नोइंग इट्स फुल सिलेबस। इसका सिलेबस बहुत ही वास्ट और बहुत ही डाइवर्सिफाइड सिलेबस है, इसमें आपका बायो पढ़ना है, आपको इसमें ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, आपको इसमें थोड़ा एनवायरनमेंट का एलिमेंट पढ़ना पड़ेगा, आपको एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट का एलिमेंट पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत ही मिक्स सिलेबस इसका बनाया गया, बहुत ही मतलब एक सब कुछ डाल दिया गया एक डब्बे के अंदर, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके निकाल दिया गया एक सिलेबस को, तो ये बहुत ही अजीब सा सिलेबस है। तो इसके लिए आपको सबसे सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इसके लिए कंटेंट इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने काफ़ी, क्योंकि अभी मैं ICF का जब मेंस लिखा था तो काफ़ी कुछ मैंने कंटेंट को कलेक्ट किया हुआ है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑर्गेनाइज करके आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ। जिन लोगों का एनवायरनमेंट है उससे उसको पढ़ उसको बस सिर्फ एक रेफरेंस के लिए यूज़ करना है, मतलब ऐसा नहीं कि केवल उसी को पढ़ना है, उसी से सब कुछ करना है, क्योंकि वो जस्ट एक रेफरेंस के लिए है, उससे बस ये है कि आपको एक टॉपिक का ओवरऑल आपको एक इंट्रोडक्शन जरूर मिल जाएगा, इन डेप्थ आपको कितना जाना है ये आप खुद से डिसाइड करें, आपको कितना उसमें पढ़ना पढ़ सकते हैं अंदर जाकर। तो मैं कोशिश करूँगा इस चीज़ को, इसलिए मुझे आप पिंग करें एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें कि कितने लोगों ने एनवायरमेंट साइंस को चूज़ किया है, तो कितने लोगों के 95 प्लस आ रहे हैं, क्योंकि जिनके आ रहे हैं उनको तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, उनका श्योरली वो मेंस लिखने जा रहे हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड थैंक यू ऑल।